और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई। समाजवादी पार्टी ने नए स्टार प्रचारकों की नियुक्ति की है और लिस्ट को जारी कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने नए स्टार प्रचारकों में शिवपाल सिंह यादव को भी जगह दी है और शिवपाल सिंह यादव को अपना स्टार प्रचारक बनाया है। उत्तर प्रदेश में बाकी के बचे चरणों में चुनाव प्रचार करने के लिए अब शिवपाल सिंह यादव मैदान में उतरेंगे। निर्वाचन आयोग की तरफ से लिस्ट पास हो गई है और शिवपाल सिंह यादव का नाम इसमें शामिल है, जिसको अब सार्वजनिक कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है वो जारी की है। इसमें 30 चेहरे नए जो हैं वो शामिल किए हैं। लिस्ट में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, किरणमय नंदा, प्रोफेसर रामगोपाल यादव और डिम्पल यादव का भी नाम शामिल है। बाकी के बचे चरणों में डिम्पल यादव भी सपा के लिए प्रचार करेंगी। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां समाजवादी पार्टी ने 30 नए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें शिवपाल सिंह यादव का भी नाम शामिल है। और शिवपाल सिंह यादव अब बाकी के बचे चरणों में चुनाव प्रचार करेंगे और चुनाव प्रचार करते हुए पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी शिवपाल सिंह के लिए अलग से हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर रही है, जिसके जरिए वो उत्तर प्रदेश में बाकी के बचे चरणों में चुनाव में तेजी लाएंगे और जमीनी स्तर पर जाकर रैलियां करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे, समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से नए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 30 नए चेहरे शामिल किए हैं और 30 नए जो चेहरे शामिल हैं उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, किरणमय नंदा और शिवपाल सिंह यादव का भी नाम शामिल है। शिवपाल सिंह यादव हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करेंगे, उनके लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में 3 चरणों का मतदान हो चुका है, बाकी के जो चरण बचे हैं उनमें अब शिवपाल सिंह यादव अपनी ताकत दिखाएंगे और चुनाव प्रचार करते हुए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव की तरफ से नए स्टार प्रचारक जो बनाए गए उसमें शिवपाल सिंह यादव को शामिल किया गया है। पहले जो स्टार प्रचारक थे उसमें शिवपाल सिंह यादव का नाम नहीं था, इसको लेकर कई सवाल भी उठे थे, लेकिन अब उनका नाम सामने आया है। इसके बाद अब सियासी सनसनी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इटावा में जब अखिलेश यादव ने रोड शो किया था तो उस वक्त शिवपाल सिंह यादव और नेताजी मुलायम सिंह यादव भी मौजूद थे और अखिलेश यादव ने पत्रकारों के सामने कहा था कि अब तो चाचा भी साथ आ गए हैं तो कोई परेशानी नहीं है और अच्छी बात यह है कि वो साइकिल के चुनाव चिन्ह पर अपना चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर, शिवपाल सिंह यादव को भी स्टार प्रचारक बना दिया गया है। और कल जब तीसरे चरण का मतदान हो रहा था तो सैफई में बड़ी सुखद तस्वीरें देखने को मिली थी। वहां पर शिवपाल सिंह यादव ने रामगोपाल यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था और दोनों मीडिया के सामने काफी देर तक फोटो खिंचवाते रहे थे। और बाद में शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि रामगोपाल यादव उनके बड़े भाई हैं और उनसे उन्होंने आशीर्वाद लिया है जीत का और आगे भी वो साथ में मिलकर काम करते रहेंगे। तो अब धीरे धीरे परिवार में जो दूरियां थी वो खत्म होती जा रही है और अब शिवपाल सिंह यादव को स्टार प्रचारक भी बना दिया गया है। तो अब शिवपाल सिंह यादव पार्टी के लिए लगातार काम करेंगे और जो बाकी के चरण बचे हैं उन चरणों में जाकर के शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के लिए माहौल बनाएंगे और एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे और पर्सनल हेलीकॉप्टर से जाएंगे, इसका इंतजाम किया जा रहा है शिवपाल सिंह के लिए।